आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, थ्री डोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर, अंजनी टाकिस के पास, भवानी माता रोड, खंडवा। संपर्क करें 7000653715 और 9111116730। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों की अब खैर नहीं, खंडवा ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चालक अब कानून के डंडे से नहीं बच पाएंगे। यातायात ट्रैफिक के जवान शहर के विभिन्न चौराहों पर अपने हाथ में वाहनों से निकलने वाले ध्वनि की जांच करने वाले यंत्रों से लैस होंगे। प्रदूषण फैलाने वालों की अब खैर नहीं, खंडवा ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है। अब बुलेट घर में पुलिस का लट अब चलेगा, सारी अकड़ धरी रह जाएगी। कड़े यातायात नियमों की तरह ही कान फोड़ू शोर पर अब सख्ती की जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ तगड़ा जुर्माना वसूले जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ खंडवा यातायात थाना प्रभारी संतोष कौल ने बताया कि बुलेट से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, नियमों की अवहेलना की जा रही है। इसी के तहत 30 बुलेट चालकों के चालान भी बनाए गए। साथ ही यातायात पुलिस की ओर से बिना हेलमेट व सीट बेल्ट वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, क्षमता से अधिक सवारियां बिठाने तथा शराब पीकर वाहन चलाने समेत यातायात नियमों की अवहेलना करते पाए गए तो कार्यवाही की जाएगी। पिछले कुछ सालों में जिले के वाहनों का सही ढंग से मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देने के चलते कंडम वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। ऐसे में कंडम वाहनों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है। नागरिक दमा, श्वास की बीमारी समेत फेफड़े के इन्फेक्शन के शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हर 6 माह में वाहनों का प्रदूषण जांच कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद भी वाहन चालक ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी के तहत अब एक अभियान के रूप में इसे चलाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार तथा श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक के यातायात के मार्गदर्शन अनुसार बाइक चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें तेज गति से तेज आवाज़ करने वाली बाइक, फटाके फूटने वाली बाइक और जिसमें बिना नंबर प्लेट, साइलेंसर मॉडिफाइड, इस टाइप की बाइक को जब्त कर थाने लाया गया है, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। साउंड लेवल मीटर से साउंड चेक करके चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? हाँ, ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसके लगातार इसमें शिकायत मिल रही है कि गली में, छोटे मोहल्लों में पटाखे फूटने वाली बाइकें ज़्यादा संख्या में चल रही है, इसलिए कार्रवाई की जाएगी। करीब कितनी बाइक है सर आज? करीब 30 बाइक अभी थाने पर खड़ी की गई है, जिनके साउंड लेवल मीटर से चेक कर चालानी कार्रवाई की जा रही है और जिनका साउंड अधिक है, 82 डेसिबल से अधिक आ रहा है, उनका साइलेंसर चेक करने के बाद चालानी कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद ही गाड़ी सपोर्ट की जाएगी।